स्वागत है थोड़ा सब एक बार फिर सिख्या है पंजाब ते। आज असी की पढ़न वाले हैं, अज सैट्स का अगला टॉपिक पावर सैट ते यूनिवर्सल सैट बारे पढ़ने वाले हैं। जिवें कि तुसी देखा होएगा इस तो पहला असी सबसैट्स बारे गल कर चुके हैं, इंटरवल्स बारे गल कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ सैट्स बारे भी गल कर चुके हैं। हूँ टाइप्स ऑफ सैट्स नहीं है बट ये वो सैट्स है जिन्हों बारे सानू पता होना चाहिए क्योंकि इस तो बिना अगे सैट सानू आना थोड़ा औखा हो जाता है। तो दो सैट्स बारे गल करांगे, पावर सैट की हुंदा है, यूनिवर्सल सैट की हुंदा है, क्योंकि पावर ते यूनिवर्सल देखा जावे तो दोनों सेम मीनिंग लग रही है। यूनिवर्सल मीन्स बहुत ज़्यादा, पावर मीन्स पावरफुल, राइट। तो दोनों से एग्जैक्टली डिफरेंस के, क्योंकि बहुत बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं कि पावर सैट तो यूनिवर्सल सैट सेम होंगे ने, अगर नहीं होंगे तो फर्क की होंगे। अज आप उसी चीज़ बारे गल करांगे कि फर्क की होंगे तो एग्जैक्टली पावर सैट की होंगे तो यूनिवर्सल सैट की होंगे, तो दोनों का यूज कितने आंदा है। ठीक है जी, चलो आओ गल करते हैं। तो बच्चों पावर सैट की होंगे, तुम सारे सबसैट पढ़ के आए हो। अगर मैं एक एग्जाम्पल लवा, एक एग्जाम्पल लेने आप कि मान लो जो असा दिता हुआ एक ते दो, फिर डेफिनेशन ते जावांगे कि मेरे को एक सैट है जिदे विच मेरे को दो एलीमेंट है एक ते दो। जे मैं तुहानू कहां कि सबसैट्स लिखो तो ये सबसैट्स केड़े लिखोगे, तुसी कहोगे कि असी पढ़िया सी सबसैट्स दे विच कि एक तो सैट सैंपटी होता सबसैट होंगे, एक अपने आप का खुद होंगे, जाने कि दो फाई एक हो जाएगा, दो हो जाएगा, एक तो दो हो जाएगा, ये वो सबसैट्स ने। किन्ने सबसैट हो गए? चार। ठीक है, हूँ चार सबसैट है। तो पावर सैट की होंगे? पावर सैट कहता है कि जिन्हें सबसैट बने ने इन्हों सब का एक नवा सैट बना दो, जाने कि करली ब्रैकेट दे विच एम्पटी एक दो एक ते दो, ये चारों के चारों सबसैट जो तुसी एक नवे सैट दे विच पाते, इस सैट नू की कहा जाता है? पावर सैट। दोबारा देखो, जिवें थोड़े कोल कोई दो एलीमेंट्स का सैट सी उहदे तुसी सबसैट लिखे, जिहड़ा सैट सारे सबसैट्स नू कंटेन करदा होवे, ओ सैट जो सारे सबसैट्स नू कंटेन करदा होवे, ऐसे सैट नू पावर सैट किया जांदा है। क्लियर है जी? तो थोनू सब नू क्लियर होया होएगा कि पावर सैट की होंदा है। पावर सैट होंदा है द सैट दैट कंटेन ऑल द सबसैट्स ऑफ अ गिवन सैट। क्लियर है जी? तो हर सैट लई पावर सैट अलग होएगा, ये क्लियर है? तो तुसी देखिया कि हुण इहनू डिनोट किवें कीता जांदा है, पावर सैट नू डिनोट किया जाता है पी ऑफ ए, जाने कि अगर ए सैट सी तो पी ऑफ ए का किन्ना होएगा? करली ब्रैकेट दे चारों के चारों सबसैट लिख दो। ठीक है बच्चों, हुण अगर एक एग्जाम्पल लिए, थोनू एक दिता होया कि एक सैट है, एक सैट है, देखो ये सैट है अंदर वाला कि एक सैट है जीरो एक ते दो, तुसी इहदा पी ऑफ ए लिखना, जाने कि पावर सैट लिखना। सब तो पहला तुसी इहदे सबसैट्स लिखोगे, तो ये केड़े केड़े सबसैट्स होंगे? एम्पटी हो जाएगा, वन हो जाएगा, टू हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट। फिर वन कॉमा टू हो जाएगा, वन कॉमा जीरो हो जाएगा, टू कॉमा जीरो हो जाएगा, फिर ये अपने आप का पूरा होएगा जीरो वन ते टू। बिल्कुल भी कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करनी, अगर लगे कि मेरा कोई सबसैट छुट्टता नहीं गया तो थोनू सबनू पता है कि किन्ने एलीमेंट है? तीन। तो दो दी पावर तीन, जाने कि अठ सबसैट ये होने चाहिए, तो काउंट कर लो एक दो तीन चार पाँच छे सत्त अठ, बन गए जी अठ। हुण तुसी की पढ़िया कि केड़ा हुंदा पावर सैट? जदों ये सारे सबसैट्स नू एक नवे सैट दे विच पा के लिख दो तो थोड़े गिवन सैट का पावर सैट हुंदा है। तो थोड़े गिते हुए क्वेश्चन का ये आंसर है कि एक जीरो एक दो का पावर सैट केड़ा होएगा? तो पावर सैट होएगा एम्पटी एक दो जीरो एक दो एक जीरो दो जीरो एक जीरो एक दो। क्लीयर है जी? तो सानू बेसिक पावर सैट बारे पता चलिया कि एग्जैक्टली केड़ा हुंदा है। तो हुण तुसीं दस सकदे हो कि थोड़े पावर सैट च किन्ने एलीमेंट्स होणगे? सोच के देखो। तो तुसीं देखो, हुण ही तुसीं पिछे पढ़िया, देखो तुसीं पढ़िया कि मेरे सबसैट जिन्ने सबसैट बनणगे वह मेरे पावर सैट दे एलीमेंट्स होणगे, हाँ कि ना? इंटर रिलेटेड है ना? तुसीं पढ़िया कि जिन्ने मेरे सबसैट्स होणगे उन्ने मेरे पावर सैट दे एलीमेंट्स होणगे। तो तुसी कह सकते हो कि किन्ने एलीमेंट्स होंगे? तो डेफिनेटली कह सकते हो किसे सैट दे अगर एन एलीमेंट है तो पावर सैट दे एलीमेंट भी किन्ने हो जाएंगे? दो दी पावर एन। नोटेड?
हूँ देखो नेक्स्ट द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ अ सेट ए. अगर कोई सेट है ए ये पावर सेट से किन्ने सबसेट बनेंगे तो माई डियर बच्चा पार्टी सब तो पहला देखो कि ये सेट दे सबसेट किन्ने बनेंगे. इस सेट दे सबसेट्स किन्ने बने 2 to the power 3 8 यानी कि मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट दे एलिमेंट किन्ने बने हूँ ही आप पिछली स्लाइड से गल की 2 8 ही बनेंगे. तो हूँ ए दे सबसेट्स ऑफ पावर सेट इंटररिलेटेड चीज़ें चल रही है सबसेट्स ऑफ पावर सेट तो पावर सेट दे सबसेट किन्ने बनेंगे माय डियर बच्चा पार्टी 2 to the power 8 यानी कि अगर 2 to the power 4 गुना 2 to the power 4 करिए तो 16 × 16 256 तो इस दिते हुए क्वेश्चन का आंसर 256 आना चाहिए. ऑप्शन से सर्च करो 256 तो जो ऑप्शन डी है थोनू बिल्कुल सही आंसर दे रही है. क्वेश्चन वाले ने क्वेश्चन थोनू घुमा के पूछा गया बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया कि नंबर ऑफ सबसेट्स अगर वो सिंपली पूछता नंबर ऑफ सबसेट्स इन अ सेट किन्ने होंगे बहुत सिंपल क्वेश्चन लगता. उन्होंने क्या क्या नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ पावर सेट यानी कि पहला पावर सेट दे एलिमेंट्स कढ़ो फिर ओदे सबसेट कर लो कंसेप्ट दो लग गए क्लियर है. तो हुन अगर ए कोई नल सेट है बी पी ऑफ ए है वेयर पी ए डिनोट्स अ पावर सेट ऑफ देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट इन्हों चो केड़ी चीज करेक्ट होएगी. तो माय डियर बच्चा पार्टी पी ऑफ ए ए कोई सेट है पी ए ऑफ ए द पावर सेट है तो पी ऑफ पी ए ये सारे के सारे पावर सेट नु डिनोट कर रहे ठीक है. हुन वो कह रहे कि एदे विचो केड़ी चीज करेक्ट होएगी तो एक चीज तो डेफिनेटली करेक्ट होएगी क्या कि जेड़ा आहा है आता सबसेट होएगा ही होएगा क्योंकि एम्पटी तो हर किसी का सबसेट है राइट बच्चों. फिर अगर देखा जाए तो ए वाला पार्ट भी किसी ना किसी का तो सबसेट बनेगा ही बनेगा. फिर ए का एलिमेंट होएगा या एम्पटी का एलिमेंट होएगा सोचो इस चीज़ बारे क्योंकि अगर सोचो कि मान लो ए कोई एलिमेंट है मान लो ए सेट है जो और को एक एलिमेंट है 1 तो ए जो पी ऑफ ए बनूंगा माय डियर बच्चा पार्टी वो कैसा बनूंगा ये देखो एक एम्प्टी हो जाएगा एक ओदा सबसेट 1 हो जाएगा और वो करली ब्रैकेट दे विच पै जाएगा राइट. जी तो अगली बार पी ऑफ ए बनाऊंगे तो थोड़े को किन्ना बनेगा तुसी कहोगे कि एक एम्प्टी आ जाएगा एक एम्प्टी दे दोबारा एम्प्टी सेट बन जाएगा सबसेट बना ली फिर 1 बन जाएगा एज अ सबसेट और फर्दर इन्हों दोनों का कंबाइनली एक सबसेट बनेगा जिस एम्पटी ते 1 दोनों ही होंगे. ये थोड़े को पी ऑफ ए बन गया. हुन अगर पी ऑफ पी ए करना होवे तो थोनू दोबारा सोचना पड़ेगा एम्पटी तो आएगा ही आएगा एदा दोबारा ब्रैकेट बनेगी ठीक है क्लियर एदी भी दोबारा ब्रैकेट बनेगी. हुन सोचन देखो इतों ही थोड़ा आंसर ए बी दे बराबर है. हुन सोचो एम्पटी एदा सबसेट है एम्पटी सबसेट ओ भी डेफिनेटली बनूगा कि एदा एल सबसेट है. हुन एदा सबसेट बन जूगा जो अगली बार इनू सबसेट लिखोगे डेफिनेटली भी सही है. फिर यह बी का एलीमेंट है बिल्कुल सही है कि आह वाला बी का एलीमेंट है बिल्कुल सही है जाने कि चारों दी चारों ऑप्शंस करेक्ट है सिर्फ थोनू सोच के लिखन दी लोड़ है. गल समझ आई देखो ये तुसी हले लिख रहे हो इदा चली जाएगा इदा जो दोबारा सबसेट्स लिखोगे बी दे सबसेट्स पूछे तो बी दा सबसेट ए एम्पटी तो खुद आंदा ही आंदा वो तो हर किसी सेट दा सबसेट है. अगला जो जेड़ा आह वाला थोड़ा एलीमेंट पे है ये दोबारा ब्रैकेट बन जाएगी तो यह भी सबसेट बन जाएगा. हुन एज अ एलीमेंट ही ये कोल पे है और एज अ एलीमेंट एम्पटी भी ये कोल पे है तो थोड़े चारों दे चारों ऑप्शन करेक्ट है क्लियर है. हुन यूनिवर्सल सैट की होंगे तो बच्चे यूनिवर्सल सैट जो होंगे ना वो एज पर एक डिफाइंड होंगे जिमें कि अगर मैं माना कि क्लास 12 CBSE तो जिन्ना भी पूरा इंडिया लेवल पर CBSE के बच्चे होंगे वो एक यूनिवर्सल सैट है
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲਾਸ 12 ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਸਬਸੈੱਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਲ ਬੁੱਕਸ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ, ਅਗਰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਬੁੱਕਸ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਔਥਰ ਹੈ ਸਭ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਲਾਏ ਕਰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟਰਸ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਰਾਈਟਰਸ ਆ ਉਹ ਲਾਏ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਰਾਈਟਰਸ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਕਿਹਨੂੰ ਡੀਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਯੂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇੱਕ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੈੱਟ ਹੈ ਏ, ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਹੈ ਬੀ, ਰਾਈਟ, ਔਰ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਹੈ ਸੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸੈੱਟ ਦੇ ਐਸਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸੈੱਟ ਸਬਸੈੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਏ ਬੀ ਯੂ ਦਾ ਸਬਸੈੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੀ ਬੀ ਯੂ ਦਾ ਸਬਸੈੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੀ ਬੀ ਯੂ ਦਾ ਸਬਸੈੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਗਿਵਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਰੇ ਸੈੱਟਸ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਸਾਰੇ ਸੈੱਟਸ ਉਹਦਾ ਸਬਸੈੱਟ ਹੋਣ, ਉਹ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਪਰ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਜ਼ ਪਰ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਲੀਅਰ ਜੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੈੱਟਸ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਛ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨ ਦਾ ਫੋਰਮ ਆਫ ਟਰੂ ਔਰ ਫਾਲਸ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ, ਐਵਰੀ ਸੈੱਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਬਸੈੱਟ ਆਫ ਇਟਸੈਲਫ। ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਬਸੈੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹਰ ਸੈੱਟ, ਜੋ ਹਰ ਸੈੱਟ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਸਬਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਟਰੂ ਹੋ ਗਈ ਬੱਚੋ। ਇਫ ਆਲ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਫ ਸੈੱਟ ਏ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਇਨ ਸੈੱਟ ਬੀ, ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਏ ਦੇ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਨੇ, ਸੈੱਟ ਬੀ ਬਿਕਮ ਦਾ ਸਬਸੈੱਟ। ਅਗਰ ਏ ਦੇ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਏ ਸੈੱਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬੀ ਕੰਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸਬਸੈੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੰਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹੀ ਸਬਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਫਾਲਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਏ ਇਜ਼ ਸਬਸੈੱਟ ਆਫ ਬੀ ਔਰ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀ ਇਜ਼ ਸਬਸੈੱਟ ਆਫ ਏ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਫਾਲਸ ਹੋ ਗਈ। ਅ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਇਜ਼ ਨੈਵਰ ਅ ਸਬਸੈੱਟ ਆਫ ਐਨੀ ਅਦਰ ਸੈੱਟ। ਹਾਂ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਚਾਰ ਸੈੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਏ ਬੀ ਸੈੱਟ ਯੂ, ਕੀ ਯੂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਵੀ ਸਬਸੈੱਟ ਹੈ ਇਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਚਾਰੋਂ ਸਬਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੀਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਫਾਲਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਸਬਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨੋਟ ਆਲ ਸੈੱਟਸ ਆਰ ਸਬਸੈੱਟਸ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ, ਨੋਟ ਆਲ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈੱਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਦੇ ਸਬਸੈੱਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਟਰੂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਾਲਸ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਪੂਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੈੱਟ ਤਾਂ ਸਬਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਦੇ, ਰਾਈਟ? ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ? ਟਰੂ। ਆ ਪਾਵਰ ਸੈੱਟ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਇਨਕਲੂਡ ਐਨ ਐਮਪਟੀ ਸੈੱਟ, ਪਾਵਰ ਸੈੱਟ ਦੇ ਕੋਲ ਐਮਪਟੀ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਨ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਾਵਰ ਸੈੱਟ ਦੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਹੈ 1 ਅਤੇ 2, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਸੈੱਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਪਟੀ ਹੋਏਗਾ, 1 ਹੋਏਗਾ 2, ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਸੈੱਟ ਤਾਂ ਐਮਪਟੀ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕਿਆ ਹੋਗੀ ਬੱਚੋ? ਫਾਲਸ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਸਪਲੇਨ ਵਿੱਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਰ ਦਾ ਸਬਸੈਟਸ ਆਫ ਪੀ। ਹੁਣੇ ਪੀ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਹਦੇ ਸਬਸੈਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏ 1, 0, 2, ਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 3, 7, 9, 3 ਹੈ 7, 9 ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। 1, 4, 1 ਵੀ ਹੈ 4 ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 19 ਅਤੇ 1, 19 ਹੈ 1 ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਡੀ ਸਬਸੈੱਟ। ਈ 9, 13, 15, 17, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀ, ਡੀ ਅਤੇ ਈ
BDE are subsets of P. Clear है? ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਪਾਵਰ ਸੈੱਟ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਬਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਵਰ ਸੈੱਟ ਅਤੇ ਸਬਸੈਟਸ ਆਪਸ 'ਚ ਇੰਟਰ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਸਬਸੈਟਸ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਡਾ ਜੋ ਮਾਇੰਡ ਹੈ ਉਹ ਸਬਸੈਟਸ 'ਤੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਨ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੋਪਿਕ ਹੈ ਵੈਨ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵੈਨ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮਸ ਨੂੰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਟਾਫਟ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਵਰੀਵਨ।